श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं BSc सेकेंड ईयर बोटनी के अंदर, हम प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में पढ़ रहे हैं, जहां पर प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बात कर रहे थे हम फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जिक्र किया है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के स्थल की हम लोगों ने बातें की है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोग एक तो प्रोकैरियोट्स को देखते हैं और एक हम लोग देखते हैं यूकैरियोट्स को। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो वर्क होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है प्रोकैरियोट के अंदर, कहाँ पर, फोटो सिंथेटिक लेमिली, या फिर ये कहाँ पर देखने को मिलता है फोटोसिंथेटिक लेमिली के अलावा कहाँ पर देखने को मिलता है, क्रोमेटोफोर के अंदर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो आप लोग देखेंगे कि यूकैरियोट जो होता है इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है मोस्टली कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है आप लोगों की। तो जहाँ पर आप लोगों को याद में रखना है कि प्रोकैरियोट के अंदर ये सारा काम होता है फोटोसिंथेटिक लेमिली या क्रोमेटोफोर के अंदर, जबकि यूकैरियोट के अंदर ये सारा काम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वहीं आप लोग देखेंगे कि क्रोमेटोफोर जो होता है वो आपको किस प्रकार का देखने को मिलता है, या इसके अंदर किस प्रकार से आपके फोटोसिंथेसिस की क्रियाएँ पॉसिबल आप लोगों को देखने को मिलती है, या क्लोरोप्लास्ट के कारण से किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हम बात करें क्रोमेटोफोर या फोटोसिंथेटिक लेमिली की, तो आप लोग देखेंगे कि ये वेसिकल या लेमिलर स्ट्रक्चर जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लेमिलर स्ट्रक्चर या वेसिकल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इन वेसिकल्स में आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर पिगमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और पिगमेंट पाए जाने के कारण से ये क्या करते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जो कि मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं या BGA जो है उनके अंदर ये मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि लेमिलर स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर मोस्टली क्या भरा होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं, जो कि मोस्टली फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। क्रोमेटोफोर में भी यही आप लोगों को देखने को मिलता है, ये भी वेसिकल या लेमिलर प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो कि मोस्टली क्या करती है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग के कारण बन जाती है, और इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, पिगमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये तो मोस्टली आपने कहा कि प्रोकैरियोट के अंदर जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है आपको इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर ये किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, मोस्टली मेन बात आप लोगों को किस चीज़ से करनी है कि प्लास्टिड जो होते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, और उस पिगमेंट के कारण कैसा पिगमेंट, अगर ग्रीन पिगमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को आप लोगों ने डिफाइन किया है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में, आपने कहा क्लोरोफिल युक्त कोशिका के अंदर क्या लाइट की प्रेजेंस में, CO2 और जल की प्रेजेंस में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। तो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल कब होगा, जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी कि
ग्रीन कलर के पिगमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसके कारण से फोटोसिंथेसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसके बारे में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है। टॉपिक यही आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड मैटर ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिएगा, अगर हम प्लास्टिड की बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि प्लास्टिड शब्द जो है वो एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया गया है और इसका मतलब होता है फॉर्म्ड, निर्माण करना। आप लोग देखेंगे कि ये प्लास्टिड जो है वो मोस्टली तीन प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन प्रकार के प्लास्टिड आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर अदर देन ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये सारा पाया जाता है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आप लोग कहेंगे कि ये कैसा होता है, कलरलेस जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई प्लास्टिड से रिलेटेड कि प्लास्टिक कोज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड, तीन प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। साथ ही आप लोग देखेंगे कि ये जो तीनों प्लास्टिड है वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है या क्रोमोप्लास्ट जो है इसके अंदर या ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, यानी कि तीनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखते हैं कि हरी मिर्च या टमाटर को देखें आप लोग, तो वो शुरुआती कंडीशन में आप लोगों को ग्रीन कलर के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पिगमेंट कैसे है इस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और वही आप लोग देखते हैं कि जब मैच्योर्ड हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था में, वो आपको कैसे देखने को मिलते हैं, रेड कलर के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो गया। तो ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि तीनों प्लास्टिड एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। हमें बात करनी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आप लोगों को देखना है कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर भी आप लोगों को जिक्र करना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या क्या सिस्टम इसके अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है आप लोगों को पता है कि इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, तो आप लोगों को याद रखना है AFW सिम्फर के द्वारा की गई है। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, AFW सिम्फर के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये भी आप लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, लिविंग फ्रैक्शन या फिर इसे सेल विथिन सेल या किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को पता है कि क्लोरोप्लास्ट को लिविंग फ्रैक्शन, सेल विथिन सेल या किचन ऑफ द सेल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। साथ ही ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग या
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, दो प्रकार के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये सिस्टम कौन से हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर दो प्रकार के सिस्टम जो पाए जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। एक तो क्या पाया जाता है, ग्रेना, और एक क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा। दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब ये ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा या स्ट्रोमा के अंदर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो स्ट्रोमा के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, एक प्रोटीन का मैट्रिक्स के रूप में लिक्विड मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको लिक्विड मटेरियल आप लोगों को देखने को मिल रहा है या जो मैट्रिक्स आप लोगों को देखने को मिल रही है वो क्या है, आपका स्ट्रोमा पोर्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपने पहले भी पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने जिक्र किया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक तो आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है और एक आपको डार्क रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्ट्रोमा के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जबकि ग्रेना के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा आप लोगों का। इसी के साथ में ग्रेना किसे कहेंगे आप लोग, तो आप लोग देखेंगे कि स्ट्रोमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि स्ट्रोमा के अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है। इन संरचनाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रेना के नाम से जान रहे हैं। ग्रेना आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये कई होगी, यानी कि इनकी संख्या जो है वो आप लोगों को 2 से लेकर 40 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ग्रेना सिस्टम है। और अगर एक सिस्टम की आप लोग बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। वहीं आप लोग देखेंगे कि इस ग्रेनम, ग्रेना के अंदर या इस ग्रेनम के अंदर एक जो यूनिट है केवल ये वाला पोर्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के नाम से जानते हैं। और इस थाइलेकोइड के अंदर, सॉरी, इस थाइलेकोइड की जो संख्या होगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी करीब 2 से लेकर 100 तक, एक ग्रेना के अंदर थाइलेकोइड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि इस थाइलेकोइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के आप लोग देखेंगे कि 230 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम होता है ग्रेना के अंदर। आपने कहा सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम कहते हैं, जिसकी संख्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोग देख रहे हैं 2 से लेकर 40 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक ग्रेनम की आप बात करें तो इसके अंदर क्या है, जो एक यूनिट पाई जा रही है, एक सिंगल यूनिट, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थाइलेकोइड कह रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2 से लेकर 100 तक हो सकती है एक ग्रेनम के अंदर। साथ ही आप लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है कि पिगमेंट जो है वो भरा हुआ है, क्लोरोफिल भरा हुआ है। कितने मॉलिक्यूल्स, 230 मॉलिक्यूल जो है वो आप लोगों को भरे हुए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पर भरे होते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इसी थाइलेकोइड के अंदर सूक्ष्म छिद्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटोसोम, क्वांटोसोम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और क्वांटोसोम के अंदर मोस्टली क्या होता है, क्वांटोसोम के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आप लोगों को भरे हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को स्ट्रक्चर के रूप में, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप बात कर रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है, दो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगी, और पर मेम्ब्रेन की जो मोटाई होगी वो आपको 50 एंगस्ट्रम की मोटाई देखने को मिलेगी।
साथ ही आप लोग देखेंगे कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, जो कि 100 से 300 एंगस्ट्रम का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी सारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 70S राइबोसोम है और डीएनए जो है वो भी पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएस डीएनए जो है वो पाया जाता है। और इस डीएस डीएनए को जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपी डीएनए कहते हैं। ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के नाम से भी जाना जाता है, या सीपी डीएनए के नाम से, साइटोप्लाज्मिक डीएनए, सॉरी क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को पोर्शन देखने को मिलता है। डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर वैसे आपने प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा है, आप लोगों ने सेल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है आप लोगों की। तो सेल ऑर्गन की स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसकी डिस्कवरी के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना हुआ है कि किस चीज़ से ये आप लोगों को, किस प्रकार की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आपने कहा कि ये डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है, ये एक मेम्ब्रेन और ये दूसरा मेम्ब्रेन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसको तो आपने क्या कह दिया, ये तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ये वाला क्या है, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, क्लियर है। फिर अंदर की तरफ आपने कहा कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये सिस्टम पाया जाता है पूरा का पूरा, और आप लोग देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और साथ ही आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कुछ मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसके साथ आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है और साथ ही 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, फैट ग्रेन्यूल्स हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अब इसको नॉमिनेट कर लेते हैं अपन। पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहा, ये क्या है, डीएनए है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सीपी डीएनए। फिर ये क्या है, 70S राइबोसोम है, ये आपने क्या कहा, ग्रेना, ये आप क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटर ग्रेनम लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली, या इसका तीसरा नाम है प्रेट चैनल, इस नाम से हम लोग इसे जानते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या है आपका, थाइलेकोइड है। और इस थाइलेकोइड के अंदर ये माइक्रो पार्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन माइक्रो पार्टिकल्स को आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है, क्वांटोसोम। और इन क्वांटोसोम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग ये देखें कि ये वाला पोर्शन क्या है, ये क्या हो गया, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मोस्टली आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये आपका थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के अंदर ये क्वांटोसोम्स हैं और क्वांटोसोम के अंदर ये क्या है आपके, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं।
तो ये पूरा का पूरा आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार थोड़ा सा देख लें आप लोग इसे, कि आपने कहा कि डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है, डबल मेम्ब्रेन्स आप लोगों को देखने को मिलती है, और आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों ही मेम्ब्रेन जो है वो 50 एंगस्ट्रम मोटाई की लगभग आप लोगों को देखने को मिलती है। बीच का स्पेस जिसे हम लोग कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस 100 से 300 एंगस्ट्रम का आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, मैट्रिक्स वाला पोर्शन जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, इसके अंदर मोस्टली प्रोटीन वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और आप एक कह रहे हैं कि सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं ग्रेना के नाम से जान रहे हैं। इस ये तो पूरा का पूरा ग्रेना है, ग्रेना सिस्टम आप लोगों को आपने कहा कि 2 से लेकर 40 तक ग्रेना आप लोगों को देखने को मिलती है। एक की हम बात करें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ग्रेनम। इस ग्रेनम की ये जो एक यूनिट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि माइक्रोपोर्स या पार्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है आप लोग देख रहे हैं क्लोरोफिल जो है वो फिल होते हैं, 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ में आप कह रहे हैं कि इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं CpDNA, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है क्योंकि न्यूक्लियर के अलावा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इन्हीं की प्रेजेंस के कारण से ये क्या है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। इस CpDNA की जो डिस्कवरी की गई है वो किसके द्वारा की गई है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है रिस एंड प्लॉट के द्वारा, या जो आपके रूथ सेंगर है उनके द्वारा, किसके अंदर क्लेमाइडोमोनास के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई है। और इस डीएनए की विशेषता ये होती है मोस्टली सर्कुलर डीएनए की कैटेगरी में पाया जाता है, जीसी रिच डीएनए जो है वो पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारा का सारा आपका CpDNA या CP जीनोम 70S राइबोसोम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि दो ग्रेनाओं को आपस में जोड़ने वाला जो है वो क्या है इंटरग्रेनम लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आपने कहा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, आपने कहा स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है आपने कहा डार्क रिएक्शन, जबकि ग्रेना के अंदर आप लोगों को कौन सी देखने को मिल रही है लाइट रिएक्शन। अब ये याद कैसे रहेगा आपको एक सिंपल सा ध्यान में रखना है डॉक्टर साहेब का मतलब आप लोगों को ध्यान में रखना है DR मतलब डार्क रिएक्शन है, ये साहेब का मतलब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर होगी स्ट्रोमा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्ट्रोमा के अंदर क्या है डार्क रिएक्शन, अब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन है तो डेफिनेटली ग्रेना के अंदर कौन सी है लाइट रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, या हम ये कहें कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी वो यहाँ पर आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट में क्या है, यूकैरियोट में आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, यूकैरियोट के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये क्लोरोप्लास्ट आपने कल भी देखा था आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है लीफ के अंदर जो मेसोफिल टिश्यू है उनके अंदर पेलिसेड पेरेन्काइमा में ज़्यादा देखने को मिल रहा है जबकि स्पंजी पेरेन्काइमा में आप लोगों को कम देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के अंदर ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा समझकर नोट्स बनाने का प्रयास करें। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।